धर्मनगरी चित्रकूट में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरे विश्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते यूपी के चित्रकूट जनपद में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन चित्रकूट स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, जिसमें यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, जहाँ उन्होंने योग दिवस पर योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया और लोगों से योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए अपील भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग के अवसर पर पूरे जनपद के 100 जगहों में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में पतंजलि योग समिति द्वारा योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर और योग दिवस के नोडल अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और जिले के तमाम अधिकारी कर्मचारी सहित आम जन मानस के लोग शामिल रहे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि योग हम लोग योग सप्ताह के अंदर ही नहीं, आज 21 जून को ही हमारा ये समापन न हो, हमारा मन और तन दोनों को स्वस्थ रखना है, तो जीवन को जीवन में किसी नित्य खुश रखना और उपयोग का मिलाएँ। और आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हम पर्यावरण का भी ध्यान में रखें, प्रकृति का संरक्षण संबंधन करें और जल का संरक्षण संबंधन भी करें, क्योंकि जीवन में जल बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। तो मेरा आप सब आपके माध्यम से कहना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल वेस्ट में करें, जल की जितनी उपयोगिता है उतना ही हम लोग करें, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जल छोड़ करके जाएँ, शुद्ध वातावरण प्रकृति के संरक्षण की बात। सरकार भी कर रही है और आम जन को भी इसमें सहभागिता करना चाहिए। जब आम जन सहभागी होता है तब जाकर के उसका परिणाम आता है, जैसे योग में आम जन सहभागी करने लगा है तो उसका परिणाम भी आ रहा है। सुबह आप देखिए पार्कों में तमाम लोग योग करते हुए घूमते हुए टहलते हुए मिलेंगे, इसी तरह से प्रकृति का संरक्षण संबंधन और जल का संरक्षण संबंधन भी हम एक सभी अपने अंग इसका हिस्सा बनाएं, शरीर का जीवन का हिस्सा बनाएं, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा भी मिलेगी और पानी भी। धन्यवाद। विपक्ष है, हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं, देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री बनाई है, कहीं ना कहीं हताशा निराशा है। आइए मैडम, आइए हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमी रहेगी और मंथन करके निश्चित रूप से हम लोग आगे। क्या लगता है उपचुनाव आने वाले हैं? उपचुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और निश्चित रूप से हम अपनी जो भी हमसे गलतियाँ होंगी जो भी उसे उसका सुधार करते हुए आगे हम चुनाव में जाएंगे और उपचुनाव में भी हम अच्छी स्थिति में आएंगे और 27 की भी हम लोग अभी से तैयार। क्या लगता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी सफल रही है? देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के साथ पहले भी हम लोग चुनाव में गए थे, हम लोग गुलाब भतीजी की जोड़ी के साथ भी चुनाव में गए थे, तब भी हम उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया था। इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे मन मुताबिक परिणाम नहीं आए, उस पर हम लोग मत करते। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।